जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स देखेंगे और कल जो ये लेक्चर मैंने आपको सारा भेज दिया था तो उसको जो वॉइस ओवर भी कर दिया था कुछ चीज़ों के ऊपर, तो आज सोचा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स इसको ज़रा जो है वो मैं वीडियो फॉर्म में आपको दे दूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो कुछ क्लियर हो जाएँ। In sexual reproduction, the offspring have unique combinations of genes inherited from the two parents. हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि जो quick way of reproduction है वो तो asexual या एक से दो में तकसीम हो जाते हैं या multiple fission है, लेकिन उसमें variations नहीं होती, budding होती है, बहुत आसान तरीका है लेकिन variations नहीं होती, और variations नहीं होंगी किसी individuals के अंदर या किसी group के अंदर किसी species के अंदर तो बहुत मुश्किल है कि वो सर्वाइव कर सकेगा। ऑफस्प्रिंग आर समवट डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स एंड दे हैव जेनेटिक डाइवर्सिटी, और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ईच न्यू इंडिविजुअल रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स ड्राइव्ड फ्रॉम टू पेरेंट्स बिकॉज सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन यूनाइट्स वन गैमेट फ्रॉम ईच पेरेंट, और फर्टिलाइज्ड एग जो है वो प्रोड्यूस होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन दो तरह की है। मैनी इनवर्टिब्रेट्स फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस एंड कोरल सिंपली रिलीज देयर गैमीट्स इनटू द वाटर विच दे लिव एंड ब्रॉडकास्ट स्पॉनिंग अलाउड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टू अकर। मेल एंड फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव सेल जो हैं पानी के अंदर पोर कर देते हैं और वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाती है। बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ऐसे है जैसे फिशेस है और कुछ और एग्जांपल पढ़ेंगे एम्फीबियन वगैरह भी। इन दीज इनवर्टिब्रेट्स द गोनेड्स आर यूजुअली सिंपल ऑफन ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स, बहुत सादा सी एक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, और द गैमीट्स रिलीज फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेरियस अरेंजमेंट्स ऑफ द सिलोम डक्ट मेटानेफ्रीडिया स्पर्म डक्ट और द ओविडक्ट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन समटाइम टेक्स प्लेस इन सम यू कैन से इनवर्टिब्रेट्स एंड इन द मेल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस एंड ट्रांसपोर्टेड बाय अ स्पर्म डक्ट टू द स्टोरेज एरिया कॉल द सेमिनल वेसिकल प्रायर टू द मेटिंग। सम इनवर्टिब्रेट्स इनकॉर्पोरेट मैनी स्पर्म इन टू द पॉकेट टर्म्ड स्पर्मेटोफोर्स and sperms of the spermatophores are then passed into the ejaculatory duct and then various accessory gland, for example seminal vesicle may be present in males that produce seminal fluid or the spermatophores. bilkul jaise vertebrates ke andar hai to waise hi jo male gametes hain wo transfer kiye jate hain into the female gametes and fertilization takes place. In female ova are produced in the ovaries and transported to the oviduct and sperm move up the oviduct where they encounter the ova and fertilize them. Accessory glands may also be present in females jo help out karte hain for the fertilization. However, some sexually reproducing animals occasionally depart from this basic reproductive mode and exhibit variant forms of sexual reproduction. Hermaphroditism also present in some invertebrates occur in when the animals have both functions male and female reproductive system hai wahan par and this duals dono sex ek hi animal ke andar hote hain. This dual sexuality is sometimes called the monoecious condition and or agar male or female alag alag hain to dioecious, ye terms aapne yaad rakhni hai, dioecious and monoecious. Monoecious wo hain jinme ek mein hi dono male and female ऑर्गन्स हैं और डाइशेस जो है मेल अलग है फीमेल अलग है. सम हर्मोफ्रोडाइट फर्टिलाइज देमसेल्व मोस्ट आल्सो मेट विद एन अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म है, सी स्लग्स वगैरह. आमतौर पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है. ईच एनिमल सर्व्स एज बोथ मेल एंड फीमेल डोनेटिंग एंड रिसीविंग स्पर्म्स और डिफरेंट सीजन में जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है. स्पेशली बेनिफिशियल टू सिसाइल एनिमल्स, फॉर एग्जांपल बार्निकल्स दैट मे ओनली ओकेजनली इनकाउंटर द अपोजिट सेक्स. अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन है तो ऐसे एनिमल्स के लिए काफ़ी सूदमंद है जो
आमतौर पे सिसाइल हैं जो एक ही जगह रुके रहते हैं, तो वहाँ पर मुश्किल होता है कि जो अपोजिट सेक्स है वो वहाँ पर आए। लेकिन चूँकि आप देखें ये इट्स वेरी मच लाइक दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसमें वेरिएशन इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, बेशक एक ही एनिमल के मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं जहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन चूँकि मियोसिस होती है और जो गैमीट है मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं, तो विद इन द एनिमल न्यू कॉम्बिनेशंस डेवलप हो जाते हैं जो क्रॉसिंग ओवर से होते हैं। सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म अकर्स व्हेन एन एनिमल इज वन सेक्स ड्यूरिंग वन फेज ऑफ इट्स साइकिल एंड द अपोजिट सेक्स एट द अदर, सो दैट हैपन दैट रिजल्ट्स इन द यू कैन से क्रॉस फर्टिलाइजेशन। हर्माफ्रोडाइट्स आर ईदर प्रोटोगाइनस आर प्रोटेंड्रस, या वो एज ए फीमेल काम करते हैं या एज ए मेल काम करते हैं। इन प्रोटेंड्रियन एनिमल इज ए मेल ड्यूरिंग इट्स अर्ली लाइफ हिस्ट्री एंड ए फीमेल लेटर इन द लाइफ हिस्ट्री, द रिवर्स इज ट्रू फॉर द प्रोटोगाइनस, पहले फीमेल होता है बाद में मेल होता है। ए चेंज इन द सेक्स रेशियो ऑफ A population is one factor that can induce sequential hermaphroditism, which is common in oysters. इसमें a change in the sex ratio of the population is one factor that can induce sequential metamorphosis. अगर एक ही तरह के जो sex है या male develop हो रहे हैं या female develop हो रहे हैं तो वहाँ पर sequential hermaphroditism develop हो जाता है। एक टाइम पे आधी पॉपुलेशन जो है एज ए मेल काम कर रही होती है, दूसरी एज ए फीमेल काम कर रही होती है। सम वर्टिब्रेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज, और ये हम जो है इसको थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, हम यहाँ तक ही रखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स, और उसको हम अलग से थोड़ी डिटेल के साथ जो हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ।